एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड। एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप इंटेक 01 2020 वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। आपकी 10 दिसंबर मेरिट लिस्ट यानी दोस्तों आपकी इनरोलमेंट लिस्ट जो जारी होने वाली है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको वेट है कि आपकी इनरोलमेंट लिस्ट के अंदर यदि दोस्तों आपका नाम आ जाता है तो आपकी 100% जो नौकरी जो पक्की हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपके ये डाउट हैं तो इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करेंगे। और दोस्तों, आपकी स्टैंड बाई जो हो कहाँ तक क्लियर होगी 10 दिसंबर वाली लिस्ट के अंदर, एक्स एंड वाई ग्रुप के अंदर जो पूछे जाने वाले सभी सवाल हैं उनका जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और फ्रेंड्स, जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की पल पल की अपडेट के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपकी 10 दिसंबर को इनरोलमेंट लिस्ट जो है वो जारी होगी। उसके अंदर फ्रेंड्स बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं फ्रेंड्स जिनका जॉइनिंग लेटर नहीं आया है और उनमें नाम आएगा आपका इनरोलमेंट लिस्ट में जिनका जॉइनिंग लेटर जो आना चाहिए था। अब किस रैंक तक फ्रेंड्स जॉइनिंग लेटर जो है वो नहीं आए उनका नाम इनरोलमेंट लिस्ट में आएगा, तो उसकी हम बात करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पूरा जो समझ लेते हैं। दोस्तों, आपके एक्स ग्रुप के अंदर आपके जो मैन के अंदर जॉइनिंग लेटर जो है वो 3000 तक आए हैं और मैन के बाद फ्रेंड्स आपकी 3000 प्लस वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी स्टैंड बाई स्टार्ट हुई है और 3400 के मिड के अंदर फ्रेंड्स आपकी स्टैंड बाई आई है रैंक तक, और 3371 का कैंडिडेट था फ्रेंड्स जिनका ज्वाइनिंग लेटर भी मिला था। अब जिन कैंडिडेट्स का फ्रेंड्स इन रैंक के बीच में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है तो उनका इनरोलमेंट लिस्ट के अंदर नाम आ जाएगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो के एंड के अंदर हम बात कर लेंगे आपकी स्टैंड बाई जो कितनी क्लियर होगी। अब बात कर लेते हैं आपके वाई ग्रुप वाले कैंडिडेट्स हैं उनकी प्रॉब्लम की। दोस्तों, अब बात करें आपके वाई ग्रुप की, तो वाई ग्रुप के अंदर फ्रेंड्स आपके मैन के अंदर 1650 कैंडिडेट्स जो हैं जिनके मैन के अंदर आए हैं उनके बाद आपकी स्टैंड बाई स्टार्ट हुई है और लगभग आपके 1850 तक स्टैंड बाई जो आई है। अब इसके बीच में जिनकी भी रैंक अगर है तो फ्रेंड्स आपके जॉइनिंग लेटर जो नहीं आए हैं तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, आपका इनरोलमेंट लिस्ट के अंदर आपका नाम आ जाएगा। अब फ्रेंड्स, जिनका इनरोलमेंट लिस्ट के अंदर नाम आ जाएगा उनको जो क्या करना है आपको, तो आपको जो इनरोलमेंट लिस्ट के अंदर आपका नाम होगा आप साइबर या ई मित्र के थ्रू जाकर आप उसका फ्रेंड्स कॉपी निकलवा कर आप ASC पे आपको जो कॉन्टेक्ट करना है, वहां पे आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं फ्रेंड्स जिनको ये प्रॉब्लम रहेगी कि ASC के कॉन्टेक्ट जो हो कहाँ से लें, तो चलिए देख लेते हैं, आपको ये भी बता देते हैं। दोस्तों, एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर लेना है और नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको अपकमिंग अपॉर्चुनिटी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप क्लिक करेंगे तो न्यू पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको जो नंबर मेंशन किए हुए मिल जाएंगे। आप जो कहीं यहाँ पे जो फ्रेंड्स दोनों नंबरों पे कर सकते हैं कॉल, कौन से पे भी आप जो कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे आपके नंबर मेंशन किए हुए हैं। अब बात करें दोस्तों आपके स्टैंड बाई की, कि आपकी स्टैंड बाई जो कितनी क्लियर होगी। अब दोस्तों, पिछली बार जो आपके इनरोलमेंट लिस्ट के अंदर एक्स ग्रुप के अंदर 250 कैंडिडेट्स लिए गए थे जिनकी स्टैंड बाई थी, और वाई ग्रुप के अंदर फ्रेंड्स 99 कैंडिडेट्स थे यानी 99 कैंडिडेट्स थे जिनको स्टैंड बाई के अंदर लिया गया था। उनमें से फ्रेंड्स 170 प्लस आपकी स्टैंड बाई क्लियर हुई थी और इसमें फ्रेंड्स आपके 66 प्लस यानी फ्रेंड्स 70 प्लस आपकी जो स्टैंड बाई क्लियर हुई थी। अब इसमें जिनके भी स्टैंड बाई है उन कैंडिडेट्स को फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन देनी है क्योंकि आगे काम आएगी। पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने बताया था कि हमारी यहाँ तक स्टैंड बाई क्लियर हुई है, तो आपकी जिनकी भी रैंक लास्ट है जिनकी स्टैंड बाई क्लियर होती है तो आपको व्हाट्सअप नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए होंगे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि
मेरे से जुड़े हुए हैं जो इन नंबरों पे फ्रेंड्स आप जो बता सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो आप जो दे फ्रेंड्स, स्टैंड बाई जो अधिक होने के चांस हैं कि आपकी बार आपकी स्टैंड बाई जो अधिक क्लियर होने के चांस हैं, आपके 200 प्लस एक्स ग्रुप के अंदर जो चांस है कि आपकी स्टैंड बाई क्लियर हो जाए, और वाई ग्रुप के अंदर फ्रेंड्स आपकी जो स्टैंड बाई जो स्टैंड बाई है फ्रेंड्स वो जो आपकी आपकी 90 प्लस आपकी स्टैंड बाई जो क्लियर हो जाए। ये फ्रेंड्स क्योंकि अब की बार कुछ कैंडिडेट्स हैं पीछे की तुलना में जो थोड़े से अधिक लिए गए हैं, ज़्यादा फ्रेंड्स अंतर नहीं है, परंतु 20 या 30 का अंतर यहाँ पे है कि आपके इससे ज़्यादा कैंडिडेट्स लिए गए हैं, ये फ्रेंड्स आपके जो गणना करने पर पता चला है। तो आई होप सभी कैंडिडेट्स को फ्रेंड्स पता चल गया होगा जिनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है उनको क्या करना है। अब दोस्तों आपके जो उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, बेस्ट ऑफ लक सभी को। आपकी 10 दिसंबर की इनरोलमेंट लिस्ट आ जाएगी। और आपका दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। यदि दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके आपका जो मेडिकल होगा अब आगे जो ज्वाइनिंग टाइम पे उस पे आप यदि वीडियो चाहते हैं तो आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सभी जो फ्रेंड्स कमेंट कर दीजिए जिनको फ्रेंड्स ये चाहते हैं कि वीडियो जो दिया जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद जय भारत। जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इसी प्रकार की पल पल की अपडेट के लिए।